भैन जी, दो ना बड़े ही गंभीर मसले चल रहे हैं। एक तो साढ़े जिहड़े किसान वीर बैठे ने धरने ते, जिहड़ा ये बिल आया, बिल दे कारण वो बैठे ने, वो कहिंदे कि जिहड़ा बिल है इहदे नाल सानूं नुकसान होवेगा जिहड़ा आया। तो दूसरा जिहड़ा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते सिख जथेबंदियां दे विचकार टकराव होया अमृतसर, जिहड़ा आपां देखी सारी वीडियो साढ़े सामने आई, तो आ दो मसलों नूं देख के मैं कुछ सोची पिया। मैं सोचा, मैं अपने विचार जिहड़े ने अपने वीरां भैणां नाल दर्शकां नाल सांझे करना चाहांगा कि अज देखो असं किहो जिहे बण गए भैन जी। पहले मैं आ जिहड़ा अमृतसर जिहड़ी घटना वापरी है सिख जथेबंदियां ते आई जी पी सी दे विचकार, कि एक ना गल सुणन नूं मिलदी है, सिख सिख नूं ना मारे, कौम कदे भी ना हारे। बिल्कुल जी, है ना जी। अज असीं एक दूसरे दे दुश्मन बन गए। बिल्कुल जी, धार्मिक स्थल साढ़े जिहड़े ने उत्थे असीं एक दूसरे दी पग्गां उतारदे हां। बिल्कुल, धार्मिक स्थल जिथे कि गुरु की उस्तत होनी चाहीदी है उत्थे लीडरां दी उस्तत कीती जा रही है। बिल्कुल जी, धार्मिक स्थल जिथे कि सिर्फ तो सिर्फ गुरबाणी का प्रचार होना चाहिए उत्थे माफी चाहांगा, तकलीफ ना मिलो, साढ़े सामने वीडियो आई है बकायदा जिथे कि गालां कढ़ियां जा रही। धार्मिक स्थल जिथे प्रचार होना चाहिए उत्थे की हो रहा है, उत्थे एक दूसरे की पग्गां उतारी, एक दूजे नूं मार बाहर कड़ कृपाना कड़ कड़ के लड़िया जा रहा है। सो यह जिहड़ा घटना वापरी है और इहो जिहियां जिहड़ी घटना साढ़े सामने आंदियां ना, इहदा सब तो वड्डा जिहड़ा नुकसान हुंदा ना, मैनूं लगदा कौम नूं हुंदा, आम जनता नूं हुंदा, आम जनता नूं भी हुंदा, संगत नूं भी हुंदा, कौम नूं भी हुंदा। फोन दे विच इदां दी वीडियो देखदे आ डर लगदा, है ना जी, डर लगदा है। बट जिहड़े लोग उत्थे खड़े हुंदे ने उहनां ते डर नहीं डरना। भैन जी, मैं अपने घर जद इस वीडियो नूं दिखाया, उन्हें साढ़े घरदिआं ने देखिया, वो कहिंदे पुत्त हुण गुरु घर जाण दा दिल नहीं करदा। बिल्कुल, माफी चाहांगा, तकलीफ होणी कुछ लोकां नूं, कहिंदे गुरु घर जाण दा दिल नहीं करदा आह हालात देखण तों बाद। मैं वो वीडियो देख रहा सीगा भैन जी जिहड़ियां वायरल हो रहीआं ने, एक वीडियो विच मैं देखिया कुछ वीर सीगे कृपाना लैके, मतलब वो कर रहे थे, एक वीर ना बड़ा उछल उछल के कृपान घुमा रहे, तुसीं भी देखी होगी वीडियो, है ना, अफसोस वाली गल है। ते दूसरी गल है कि डरजा लगता है कि आम बंदा कि कर सकता है। और एक बीबी खड़ी है जिन्हें केसगी बनी हुई है, तो एक बच्चा तो एक वीर है ना, मतलब हसबैंड हो गया, परिवार का कोई होगा, एक बच्चा भी है, तो बच्चे लैके पिछे हो गए, मतलब असं कर की रहे हैं, असं संगत को डराने वास्ते गुरु घर जाने। परमात्मा ने मेहर रखी, कुछ वध नुकसान नहीं होया, कुछ भी एहो जिहा नहीं होया, लेकिन एहो जिहा वीडियो सामने आन दे नाल नुकसान सिर्फ तो सिर्फ कौम दा हुंदा, दुनिया दे विच छवि की जाती है कि जिहड़े सिख कहिंदे ने असीं इक्को, मतलब कि असीं तां सारे इक आ, असीं तां भाईचारे समेत सारिआं नूं सारे धर्मां नूं इक समझदे आ, किसे दा माड़ा नहीं तकदे। जब वो वीडियो देखदे ने कहिंदे जिहड़े कहिंदे दूसरे दे माड़ा नहीं तकदे, इन्हां दा अपना तां देख लो, तां आपस लड़दे ने। बिल्कुल जी, है ना जी, सही गल कर रहे। बिल्कुल सही है, इक पासे तां अपने वल्लों अपने जिहड़े बंदे ने ना वो ये गल करदे ने कि बई असीं सिखां दीआं, सिख जिहड़े ने ना दूसरिआं दी धीआं भैणां नूं अपनी धियां पैना समझते हैं, तो दूजे पास साढ़े को हूँ यह जी वीडियो भी साढ़े सामने आ रही है, जी पोस्टा साढ़े सामने आ रही हैं जिद एक दूसरे धियां पैना गाला कटते हैं। बिल्कुल जी, जे तुम ये तो आम गल हो चुकी है कि एक तो कहें सिख दूसरे धियां पैणों अपना समझते हैं, तो दूजे पास सिख ही एक दूसरे की धियां पैणों गाला कट रहे हैं। मैनू ये लगता है कि अज सिर्फ तो सिर्फ असं उत्तों उत्तों दिखते सिख बन गए, फॉर्मैलिटी लिए बाणा असं सिखा वाला पार लिया, अंदरों असं सिख नहीं है, क्योंकि गुरबाणी कहती है सौ सिख सखा बंदप है भाई जो गुर के बाणे बाणे में आवे, जिहड़ा गुरु के बाणे में आंदा वो सिख है। हुण देखो भैन जी, ये गल आम तौर पर मैनूं पता कुछ लोग इस गल नूं तकलीफ मान सकते हैं, बाणा तो मैं सिखी वाला पा सकदा, पग भी मिल जाती है, कृपान भी मिल जाती है, कड़ा भी मिल जाता है, लेकिन किरदार नहीं मिलता कि किरदार जिहड़ा है आप बनाना पैंदा। बिल्कुल, आ सानू सिखी वाला किरदार बनाना पैणेगा, अपनी आत्मा नूं ना उदों दा बनाना पैंदा, अंदरों सिख बनना पएगा ना कि बाहरों, बाहरों तो सिख बन रहे हैं, अंदरों सिख नहीं बन रहे बाहरों। मैं ये नहीं कहता कि बाहरों सिख बनना जरूरी नहीं है, बाहरों भी सिख बनना जरूरी है, लेकिन अंदर तो बन लो, पहला अंदरला सिख होना बहुत, अंदरों सिख होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। असं दूसरे जज करन बड़ी छेती लग जाने कि इस बंदा ये ऐदा क्यों है, कि इस जिवें एक वीर का कमेंट आया सी कि इस बच्ची ने अपने हाथ से कड़ा नहीं पाया, किहड़ा इस बच्ची ने अमृत छकिया होया कि हाथ से कड़ा पावे, और नाले एक वखरी गल है वो कड़ा पावे ना पावे, ये जी इंडिविजुअल सोच है अपनी, लेकिन जब मैं उस व्यक्ति दी पैंदी की है जी, मेरे हाथ दे विच ना पहला मेरे कड़ा पाया होया सीगा, मेनू ना कड़े तो एलर्जी है जी। अच्छा अच्छा, मेरे ना फिंसियां जे हो जांदियां ने। ओके ओके, फिर वो अगे बाह ते बढ़ जांदी है। चलो एक बस एक पैंजी, ए देखो
धर्म किसी के उत्ते धक्के थोपिया नहीं जाता। अगले की अपनी इच्छा है कि अगर किसी को लगता है कि अमृत पान करना है, अमृत छक सकता है, लेकिन मैनू यह लगता हो सकता मैं गलत होवां, जे मैं गलत होवां भाई कमेंट करके मेरे ध्यान च लिया दिओ कि केवल तो केवल अमृत छकन ना कुछ नहीं होना, सानू गुरबाणी नू पढ़ के विचारना भी पैना है। असी बारहों सिख बनाई जा रहे हैं कि बई असी क्वांटिटी वधाई जा रहे हैं, क्वांटिटी है ना, गिनतियां वधाई जा रहे हैं, क्वालिटी नहीं वधा रहे। जिहड़े आ वीर ने कमेंट किया सी है ना, मैं थोड़ा शॉर्ट च दस दिंदा, हालांकि मैं पर्सन किसी का अटैक नहीं करता, हर किसी अपनी अपनी जिंदगी जिवें मर्जी जी सकदा अगला, हाँ अपनी अपनी सोच हुंदी है, ठीक है जी। तो मैं एक दो दी कमेंट की परवाह भी नहीं करता, लेकिन मैं क्यों मैनशन की गल बकायदा, क्योंकि उस वीर की जिहड़ी दिख है पूरी सिखी स्वरूप वाली सी, तो मैं उहदी जिहड़ा आई डी जाके चैक की, वह तुहानू सानू मतां दे रहा कि तुसीं कड़ा पा के रखो, गल उहदी गलत नहीं, गल बिल्कुल सही है, कड़ा पाना चाहिए, बट बई अवर उपदेश से आप ना करे। ओदी मैं फोटो देखिया, ओदी फोटो में रखड़ी बनवा रहे, सिख तो फिर रखड़ी बनवाते नहीं भाई, ओदी अपनी फोटो मैं देखिया, ओदे नाल जिहड़े मुंडे खड़े ने ओदे मुंडे लगते हैं देखने, उन्होंने दाड़ी कट्टी हुई है। अच्छा, अवर उपदेश से आप ना करे। ओदे नाल मैं ओदी फोटो देखी, ओदी वाइफ लगते हैं देखने, उन्होंने लिपस्टिक बिंदी वगैरह सारा कुछ लाया, अंगूठिया वगैरह पाइया हाथों से, मतलब असं दूसरे को समझा रहे हैं, पहले असं अपना तो देख लीए। मेरे कहने का मतलब है देखो मैं इस गलते एक मिनट पांच माफी चाहूंगा रोक रहे हैं आप जी, मैं नहीं कहना कोई लिपस्टिक लाए बिंदी लाए कोई अंगूठिया पाए, वो अपनी इंडिविजुअल सोच है, जो मर्जी करे अगला, मैं किसी के किंदू परंतु नहीं करता, बट जब असं खुद अपने घर नहीं संभाल सकते, अपने आप को नहीं संभाल सकते, सानू दूसरे को कहने का हक की है। बिल्कुल, पग तो ना रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा होती सी। मैं एक बार ना मतलब मेरे दादा जी की डेथ हुई जी, ते फुल पाउण दे लई जा रहे सी जी, मतलब जो भी रास्ते दे विच मतलब रास्ता पुछया ना भी अगे किथे जांदा है, तां हमेशा ए गल कही गई ड्राइवर वल्लों भी सरदार नूं पुछो भी सही रास्ता दसूगा, भी किसे मोणे बंदे नूं नहीं पुछया हैगा, भी सरदार नूं पुछया जी। पर अजकल कोई भी इदां दा नहीं, अजकल तां बस सारा सिस्टम थोड़ा जिहा हिलिया पिया जी, सानूं पहले रिस्पैक्ट हुंदी सी, सरदार जी कहा जांदा सी बकायदा ना, अजकल जिहड़ा थोड़ा रिस्पैक्ट घट रही है, उह किते ना किते अपनियां कमियां हैगियां ने जो कि सानूं सुधारन दी लोड़ है। असीं दूसरिआं दे उत्ते बड़ी छेती टिप्पणी कर दिंदे आ कि भाई तुसीं जिहड़ी आ अगर सोने की भी वो टोपी ले लोगे ना तो पग का मुकाबला नहीं कर सकते, हो सकता है टोपी पाने वाला बंदा पग वाले पाने वाले बंदे ना लख दर्जे चंगा हो। मैं किरदार की गल कर रहा, अज पग वाले जिहड़े जिन्हां दे किरदार देख लो किदां दे आ रहे हैं, पहले आपां किरदार वल ध्यान दे, साडे किरदार वधिया होने चाहिए ने। मैं एक वीर ने पग वाला वीर है, उन्हें लिखा सीगा कि पग दे नाल, मैं इंटरव्यू ले रहा सी, कह रहा सीगा वीर जी दस्तार दे नाल किरदार दा होना भी बड़ा जरूरी है, कल्ली दस्तार नहीं, दस्तार दे नाल किरदार दा होना भी बहुत जरूरी है। तुसीं दस्तार तां बन ली लेकिन किरदार नहीं लैके आए, फिर भावें वीर जी तुसीं जिन्नी सोहनी तो सोहनी दस्तार बना लो उहदा कोई फायदा नहीं, किरदार दा होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हो सकता एक टोपी पाण वाले वीर दी किरदार पग बन वाले दे किरदार नाल लख दर्ज चंगा हो, जे उह किरदार दा चंगा है ना तो मैं कहना फिर वह पग वाले नूं ठीक है। बिल्कुल जी, ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਬਾਣੇ ਤੋਂ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੋਂ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜੀਨਸ ਪੈਂਟ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਡਰੈਸ ਪਾ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ठीक होवे किरदार प्रति, और घर दे विच रहण वाली सूट सलवार पाउण वाली नॉर्मल कपड़े पाउण वाली कुड़ी किरदार पत्तों पक्षों गलत होवे। सो एक कुछ भी हो सकदा है मेरे वर्गा बंदा बाणे पाउण वाला सोहणियां सोहणियां गल्लां करन वाला बंदा अंदरों किरदार दा माड़ा होवे, ते दूसरा बंदा जिहड़ा कई किसी धार्मिक स्थल च गया ही नहीं, जिन्हें कभी गुरबाणी पढ़ी ही नहीं, जिन्हें किसी धर्म ग्रंथ का अध्ययन किया ही नहीं, लेकिन वह किरदार पक्षों ठीक होवे, यह भी हो सकता भैन जी। सो इस करके कभी भी आप किसी के जिहड़े कपड़े ने उहदे जिहड़ी दिख है वह तो वह किरदार के उत्ते किंतु परंतु ना करियो, साडी जिहड़ी कमियां ने ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਸ 'ਚ ਝੜਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲੜ ਕੇ ਕੋਈ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਵਰ ਬਣਾਈ
फिर धार्मिक स्थल बनाया है अपना, ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਪਾਵਰ ਬਣਾਓ, ਏਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਏਗੇ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਹਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਭਾਪਿਆਂ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਭੈਣ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਜੇ ਮਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੜਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਥੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਲਾਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੜ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ। ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਖੜ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਲੀਡਰ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਬੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਰਦੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆਮ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਹਾਸਾ ਖੇਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਭੈਣ ਜੀ? ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਦਿਨ ਆਏ ਨਾ ਆਏ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ, ਆਹ ਲੜ ਪਿਆ, ਉਹ ਲੜ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੱਟਤੀ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੱਟਤੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਇਨਫੋ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਭੈਣ ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਪੇਜ ਇਨਫੋ ਕੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਦਿਲ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਓ।